प्रटरी फेज फर्स्ट द कंटेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाईकालसिस लोकेशन ऑफ ग्लाइकॉलिस प्रिपेटरी फेज ऑफ ग्लाइकॉलिस एंड रिएक्शन ऑफ द प्रिपेरेटरी फेज सो फर्स्ट द इम्पोर्टेंस ग्लाइकॉलिस अगर हम द इम्पॉर्टेंट्स ऑफ ग्लाइकोलिस की बात करें ग्लाइकोसिस जैसा कि आप जानते हैं इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू टू पायरोट मालिक्यूल्स ग्लूकोज का तमाम सेल्स हमारे जितने भी हैं उनके अंदर ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से पायरुवेट मालिक्यूल बनते हैं दो तो और इसको हम कहते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस है यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स है वट इज इट्स इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस के लिए ऐसे अगर हम पास्ट हिस्ट्री में देखते हैं जब ऑक्सीजन थी ही नहीं उस वक्त तो जो ग्लाइकोलाइसिस इट वॉज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही वो वाहद मैथड था जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती थी आप जबकि ऑक्सीजन अवेलेबल है अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म के पास एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं विच इंटायरली डिपेंड ऑन दी ग्लाइकोलाइसिस जैसे हमारे अगर देखें एरिथ्रोसाइट्स हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स जो एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं एनर्जी ऑप्टेन करते हैं वो थ्रू ग्लाइकोलाइसिस करते हैं यानी ग्लाइकोलाइसिस के अलावा इनके पास एनर्जी हार्वेस्ट करने का कोई और मेथड एरोबिक रेस्पिरेशन

ग्लूकोज मालिक्यूल्स फॉर हार्वेस्टिंग एनर्जी तो ब्रेन सेल्स भी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या करेंगे एनर्जी जो है एनर्जी सोर्स यानी जितने भी हमने फोर टाइप्स का जिक्र किया है जिसमें हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल रिथ्रोसाइड जिसको से हम बोलते हैं सिमिलर द रीनल मेडुला है ब्रेन सेल है स्पर्म्स हैं ऑल दी सेल्स दे सर्वाइव ऑनली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यानी उनकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो ग्लाइकॉलिस आती है सिमिलरली अगर हम देखें मैनी एन वो ऑर्गेनिजम जो ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में नहीं रहते हैं दे आर आल्सो ऑब्टेनिंग देयर एनर्जी बाय द ग्लाइकॉलिस प्रोसेस तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल वर्ड्स में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती है उनके लिए द सोल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा वो ग्लाइकॉलिस होगा या ग्लाइकोलिस के थ्रू वो एनर्जी हासिल करेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकॉलिस ग्लाइकोलिस सेल्स के अंदर इसकी लोकेशन दैट इज या सिंपल वर्ड में कहूँ साइटोसोल है साइटोसोल तो साइटोसोल इज द्लेस वी आर ग्लाइकोलिस अगर हम ग्लाइकोलिस को देखते हैं तो ग्लाइकोलिस बेसिकली वैसे तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ग्लाइकोलिस में टोटल जो है वो टेन स्टेप्स हैं या टेन रिएक्शन होते हैं ग्लूकोज से काम ये स्टार्ट होगा ग्लाइकोलिस का एंड इट विल एंड विद द पायरोवेट तो ग्लूकोज से पायरोवेट बनने तक देर आर टेन रिएक्शन या टेन स्टेप्स हैं अच्छा इसमें से अगर हम देखें जो फर्स्ट फाइव स्टेप्स हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है यानी दे हैव उनको चलाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड देम एनर्जी सेल्स को एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन स्टेप्स को तो वो जो फर्स्ट फाइव स्टेप्स जिनको चलाने के लिए सेल एनर्जी इन्वेस्ट करता है दे दैट इज एक्चुअली का द प्रिपेटरी फेज फिर अगले जो पांच होंगे ये वो सेल्स होंगे जिसमें सेल जो ग्राइकॉलिस का वो साइक स्टेप होगा जिसके द्वारा तो 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 एनर्जी तो जो है वो सेल को वापस मिलेगी या ये स्टेप्स एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेंगे तो फर्स्ट फाइव स्टेप्स एनर्जी लेते हैं अगले फाइव स्टेप्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को तो जो फर्स्ट फाइव स्टेप्स हैं दे आर एक्चुअली द प्रिपेटरी फेज और प्रिपेटरी फेज के अंदर टोटल टू मालिक्यूल्स ऑफ ए टी पी जो है वो रिक्वायर होते हैं उसको प्रिपरेटरी फेज को कंटिन्यू करवाने के लिए हेर वी है डायग्राम ऑफ प्रिपेटरी फेज यहाँ अगर प्रिपेटरी फेज को हम देखें तो वी आर हैविंग फाइव स्टेप्स का जो सबसे पहले स्टार्ट है जैसे ही जो सेल है अगर हम ये सेल लेते हैं तो जैसे ही ग्लूकोज मालिक्यूल सेल के अंदर एंटर होगा ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है जैसे ही सेल के अंदर एंटर होगा तो सबसे पहले इस ग्लूकोज के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाता है और इसे बन जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और ये ग्लाइकोलाइसिस का सबसे पहला स्टेप है यहाँ अगर हम देखें ये हमारे पास एक वो रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का जैसे ही ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होगा तो ग्लूकोज के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच किया जाएगा बाय यूटिलाइजिंग ए एटीपी ये वो फर्स्ट मॉलिक्यूल है एटीपी का जो स्टेप के लिए चाहिए होगा ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बन जाएगा सेकेंड स्टेप के ऊपर ग्लूकोज सिक्स फास्फेट इज कन्वर्टेड इंटू फ्रुक्टोिक्स फास्फेट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों सिक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो जस्ट ये ग्लूकोज है फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट इट इज कन्वर्टेड इंटू फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस्फेट या फास्फेट इसको लिखा हुआ है तो बुक्स के अंदर ज्यादातर जगहों के ऊपर आपको बिस् फास्फेट लिखा हुआ मिलेगा अगर आप यहां देखते हैं तो पोजीशन नंबर सिक्स के ऊपर ऑलरेडी फास्फेट ग्रुप मौजूद था जबकि कार्बन नंबर वन के ऊपर हमें एक फास्फेट ग्रुप जो है से ऐड करवा रही है इस वजह से फ्रुक्टोज फास्फेट से फ्रुक्टोज या सिक्सटोन बन जाएगा दिस इज द थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप के ऊपर इस मालिक्यूल को सिक्स कार्बन मालिक्यूल जो है यानी कि फ्रुक्टोज फ्रुक्टोजेट जो है इट विल ब्रेक डाउन इंटू टू थ्री कार्बन मालिक्यूल एक मालिक्यूल डाई दा हाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट और दूसरा जो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा इट विल बी ग्लिस अच्छा ये चूंकि फर्स्ट हाफ है ग्लाइकॉलिस का ग्लाइकॉलिस के जो अगले स्टेप्स हैं दे विल कंटिन्यू विद इसलिए फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसलडी हाइड थ्री फॉसफेट और इसके लिए ये भी सिंपल एक आइसोमराइजेशन स्टेप है क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये भी थ्री कार्बन है ग्लिसलडीहाइड थ्री फास्फेट भी थ्री कार्बन है ये सिंपल एक आइसोमनाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें डाईहाइड्रोक्सेटोन फास्फेट इज कन्वर्टेड इन टू द गिसलडीहाइड थ्री फास्फेट और ये हमारे पास प्रिप्रेट्री फेज़ का पाँचवा रिएक्शन होगा या फिफ्थ स्टेप होगा तो से ओवरऑल जो टेन रिएक्शन हैं ग्लाइकोलोस में से फर्स्ट फाइव रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं ग्लिसलडीहाइड थ्री फास्फेट बनने तक अगर हम यहाँ कोई कहे प्रिपरेटरी फेज को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि प्रिपेटरी फेज इज बेसिकली द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज टिल ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फास्फेट यानी ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फास्फेट बनने तक के जितने स्टेप्स हैं जो बेसिकली तो ग्लाइकोलाइसिस है लेकिन इतने स्टेप्स को हम क्या कहेंगे टू द प्रिपेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस